इन्हीं का राहुल जी का ही एक सवाल है आईडीबीआई के बारे में। क्या आईडीबीआई में अभी पैसा लगाया जा सकता है 6-8 महीने के नजरिए से? क्या ये 9500 के स्तरों तक जा सकता है? और बैंकिंग क्षेत्र में यूनियन बैंक को लेकर के हाल में काफी चर्चा रही है, तो इस पर भी इनकी नजर है। देखिए आईडीबीआई में मेरे हिसाब से जब तक आपका नया प्रमोटर आ नहीं जाता है तब तक पहले से ही किसी एक लेवल को एंटिसिपेट करना मुश्किल होगा। तो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन नया प्रमोटर तब कॉल लेना चाहिए, तो इसलिए हमारा स्टॉक पे कवरेज भी नहीं है और इस पर मैं व्यू भी नहीं देना चाहूंगा। जो पीएसयू बैंक्स में हमारी जो जनरली प्रेफरेंस है अगेन टीयर वन बैंक्स के साथ में, जिसमें हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या इंडियन बैंक हमें रिलेटिवली बेटर लगता है। बियॉन्ड दैट काफी सारे बैंक्स हैं बट हमें लगता है कि वो सब बैंक में लार्जली सेम इश्यूज हैं एंड इनका जस्ट क्वांटम छोटा होता है कंपेयर टू बिगर बैंक्स। हालांकि काफी मूवमेंट आपको मिल रहा है छोटे बैंक में बट हमें लगता है कि यार कि आपको बड़े बैंक्स के साथ में रहना चाहिए अगर आप ने पहली बार आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज कभी भी ये सब सिनेरियो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो बड़े बैंक्स के साथ में रहेंगे जो स्टेबल हैं, जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल ज्यादा बेटर रही हिस्टोरिकली, बिकॉज अगर आप लंबे समय के लिए रख रहे हैं तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि खराब समय में वो कैसा करते हैं और अच्छे समय में कैसा करते हैं। तो हमें लगता है कि बैंक में और पीएसयू बैंक में आपके टीयर वन बैंक जैसे आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आई थिंक ये रिलेटिवली बेटर बैंक्स हैं।